हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बेसिकली आज हम थ्योरम की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हम डेली कोई ना कोई थ्योरम हम सीखेंगे उस प्रूफ के साथ। तो आज उस थ्योरम सीरीज का पार्ट वन है, रियल एनालिसिस की थ्योरम से रहेंगी, बीएससी मैथमेटिक्स के लिए टॉपिक है। तो आज हमारी थ्योरम कुछ ऐसी है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कोची सीक्वेंस। व्हाट? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कोची सीक्वेंस। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कोची सीक्वेंस क्या होता है, आपने रियल एनालिसिस में पढ़ा है, बट अभी मैं ये बता देता हूँ कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है और कोची सीक्वेंस क्या है। पहले हम समझेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन, देन कोची सीक्वेंस की डिफिनेशन, और फिर हम अपने प्रूफ के सेक्शन पर वापस आएंगे। तो चलिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है हम समझ लेते हैं। तो देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन काफ़ी ईजी है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन क्या है हम समझ लेते हैं। अ सीक्वेंस जैसे सपोज हमारे पास कोई सीक्वेंस एन है, एन इज इक्वल टू 1 to infinity, ठीक, इज सेट टू बी कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट कहलाएगी। देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हम कभी कभी कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हम कभी कभी कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस भी नाम दे देंगे, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो सीक्वेंस ए एन, एन इज इक्वल टू 1 to infinity is said to be convergent, or converges to a real number, ये किसी real number L को converge भी करेगी, if and only if को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। If and only if for every epsilon greater than zero, हर एक epsilon greater than zero के लिए there exist capital N which is belonging to natural number and it is depending on epsilon such that n is greater or equal to n. This is implies that modulus of an minus l is less than epsilon. तो अगर ये होगा तो modulus of an minus l epsilon हो जाएगा। So this is a convergent of a sequence. ये definition है convergent sequence का। इसको हम simply ऐसे ही बोल सकते हैं कि limit n tending to infinity an की l होनी चाहिए, यानी finite limit exist करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। फाइनाइट लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। तो अब हम बात करते हैं कोची सीक्वेंस क्या होती है। तो कोची सीक्वेंस कब होगी? कोची सीक्वेंस तो मान लेते हैं कि कोई सीक्वेंस, अ सीक्वेंस ए एन, अब ये सीक्वेंस ए एन जो है कोची सीक्वेंस कब होगी? सो इज कॉल्ड अ कोची सीक्वेंस, इस कॉल्ड अ कोची बोलिए, कोई कोई कोची बोलता है। तो सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड अ कोची सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन, अगेन डिपेंडिंग ऑन एप्साइलन, ये एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, सच दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एम कॉमा एन क्या होगा, एम कॉमा एन जो होगा
वो कैपिटल एन से बड़ा होगा, एंड दिस इज इम्प्लाइज दैट कि मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए एम एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो अगर ये कंडीशन है तो सीक्वेंस हमारी कोची सीक्वेंस होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम बाद में बात करेंगे, डिटेल में जब डिस्कशन होगा तो जब हम स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम बताएंगे। अभी हम थ्योरम सीरीज स्टार्ट किए हैं तो सिर्फ थ्योरम पे फोकस करते हैं कि क्या चीज़ें क्या होंगी और कब होंगी। तो मैंने आउटलाइन दे दिया है कि कोची सीक्वेंस क्या होती है, ये होती है मॉडुलस ऑफ एन माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक। देयर इज जस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन, एम एन इज ग्रेटर देन एन। कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एन एंड मॉडुलस ऑफ एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। या कहने का मतलब ये कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस में सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, कुछ एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब आते हैं हम अपने प्रूफ सेक्शन पे। नाउ सो वी हैव टू प्रूफ एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज अ कोची सीक्वेंस। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले तो देखिए क्या दिया हुआ है कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज अ कोची सीक्वेंस। हर एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस होती है वो कोची सीक्वेंस होती है। मतलब गिवन दैट कोई हमारे सीक्वेंस हम लेट कर लेते हैं एन, एन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये गिवन है एन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक। टू प्रूव दैट हमको प्रूफ करना है कि जो सीक्वेंस एन है कन्वर्जन दिया हुआ है, कोची होगा यानी कोची सीक्वेंस भी होगी। सो टू प्रूव दैट एन इज अ कोची सीक्वेंस तो क्या करें सर, कन्वर्जन दिया हुआ है तो कन्वर्जन की जो कंडीशन है उसी हिसाब से चलते हैं। सो फॉर एनी चूजन, प्रूफ कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। सो फॉर एनी चूजन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। अभी हम कन्वर्जन सीक्वेंस की डिफिनेशन ही लिख रहे हैं तरीके से, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट फॉर एवरी एन इज ग्रेटर और इक्वल टू एन मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। अब यहाँ पे हम एप्सिलॉन बाय टू इसलिए लिए हैं, आप एप्सिलॉन भी ले सकते हैं, मैंने एप्सिलॉन बाय टू सुविधा अनुसार लिया है। अभी आगे हम बताएंगे कि एप्सिलॉन बाय टू हमने क्यों लिया है, हमें इसको बाद में एप्सिलॉन बनाना है तो इसलिए हमने एप्सिलॉन बाय टू लिया है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब अगर ए एन माइनस एल के लिए यानी ए एन सीक्वेंस के लिए अगर ये हो सकता है कन्वर्जेंट में, तो ये चीज़ ए एम के लिए भी होगी। नाउ ऑल्सो मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, तो मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाय टू हो जाएगा। और यहाँ पे जो फॉर एवरी एम जो एम है वो एम भी ग्रेटर और इक्वल टू एन है, जिस तरीके से एन ग्रेटर और इक्वल टू एन था तो एम भी ग्रेटर और इक्वल टू एन है। तो इसको मैं मानता हूँ क्वेश्चन नंबर टू। दस एन इज ग्रेटर देन एन, ठीक, एन इज ग्रेटर देन एन एंड आल्सो एन इज ग्रेटर देन एन, दिस इज इम्प्लाइज दैट कि मॉडुलस ऑफ ए एम माइनस एन क्या होगा, ठीक, मॉडुलस ऑफ एन, सॉरी आप कुछ भी ले सकते हैं, चलिए हम ए एम माइनस एन ले सकते हैं, आप ए एन माइनस एन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए एम माइनस एन लिए तो ए एम यानी जो एम है एन से बड़ा है, ठीक, एम जो है एन से बड़ा है, इससे तो एन घट रहा है एन से, यहाँ पे एम जो है एन से बड़ा है, एम जो है एन से बड़ा तो ए एम माइनस एन हो रहा है। तो मॉडुलस ऑफ ए एम माइनस एन क्या हो जाएगा, अब इसमें हम क्या करेंगे कि एल जो लिमिट एल है ऐड भी करेंगे और घटा भी देंगे, तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हो जाएगा ए एम माइनस एल प्लस एल माइनस ए एन, ये कट भी सकता है तो बात वही होगी। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नाउ दिस इज लेस और इक्वल टू, इसको हम ब्रेक कर लेंगे ए
एम माइनस एल प्लस एल माइनस ए एन, किस तरीके से या किस कंडीशन से हमने इसको ब्रेक किया, क्योंकि हमको पता है सिंस क्या हमको क्या पता है कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस और इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, तो इस कंडीशन से हम इसको ब्रेक कर दिए हैं। आल्सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज लेस और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एम माइनस एल प्लस ये चेंज हो जाएगा ए एन माइनस एल। इसको हमने किस तरीके से लिख दिया, इसको हमने इसलिए लिखा है, इस कंडीशन से लिखा है कि सिंस अगर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी है तो इट इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हैंस जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए एम माइनस ए एन था इज लेस और इक्वल टू हो गया मॉडुलस ऑफ ए एम माइनस एल प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल। ठीक, अब मॉडुलस ऑफ ए एम माइनस एल यहाँ पे देखिए लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है, तो इसको हम लिखते हैं लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस एल भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है, तो इसको हम लिख देंगे लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो देखिए हमको ये प्रूफ करना था कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगी तो कोसेस सीक्वेंस हमारा हो जाए। तो सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट थी और अब कोसेस सीक्वेंस प्रूफ हो गया है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं हेंस सीक्वेंस ए एन इज आल्सो अ कोची सीक्वेंस, आल्सो अ कोची सीक्वेंस। तो हम यहाँ से अपना फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे कि देयरफॉर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोची सीक्वेंस हैंस प्रूव। सो उम्मीद है गाइस कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, सिंपल तरीके से हमने थ्योरम को प्रूफ कर दिया है। तो आज का हमारा पहला थ्योरम पार्ट वन थ्योरम सीरीज का प्रूव्ड हो गया है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कोची सीक्वेंस। तो मिलते हैं अगली सीरीज में और अगले पार्ट में एक नए थ्योरम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।